ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज में सिविल लाइन इलाके में कश्मीरी पंडितों की तरफ से एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा सिविल लाइन्स के सुभाष चौराहे से शुरू होकर पत्थर गिरजा चौराहे में खत्म हुई। इस यात्रा में बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित समाज के लोग मौजूद रहे। हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी तादाद में कश्मीरी समाज की महिलाएं भी इस यात्रा के दौरान शामिल हुई। तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान, जिसकी शुरुआत देश में की गई थी, वो अब रंग लाती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में प्रयागराज के सिविल लाइन्स में तिरंगा यात्रा कश्मीरी पंडितों द्वारा निकाली गई, जिसमें महिलाओं समेत पुरुष भी शामिल रहे। ऐसा फैसला हुआ था जो हम सबके बहुत ही फेवर में रहा है, और इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पत्थर गिरजाघर से एक तिरंगा यात्रा का ये आयोजन किया। और उसका मेन उद्देश्य ये है कि कश्मीरी पंडित आप सबके बीच में है, मगर आप नहीं जानते कि कश्मीरी पंडित आपके साथ रहते हैं। और कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी जहाँ भी बुरा हुआ है, सारा देश अब उसको जानता है। और हम इस तरीके से हम आज ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम इस देश का अभिन्न अंग हैं। ये तिरंगा हमारे भी दिलों में बसता है और हम इस पूरे देश की प्रगति में हम भी अपना अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य शुरू होने के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष में पूरे प्रदेश में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। इसी के मद्देनजर राम भक्त दीप जलाकर खुशियां बांट रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि बीते दिनों 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी थी, जिसको लेकर अब राम भक्तों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। वहीं मंदिरों पर बीते दिनों दीप जलाए गए तो कहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी गई। मंदिर निर्माण 2 साल हो गए हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है मंदिर बनेगा? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। फरीदाबाद के भगत सिंह चौक में प्रयाग मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। दरअसल अस्पताल में महिला की डिलीवरी हुई थी, जिसमें महिला ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। जन्म के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने से दोनों ही बच्चों की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है कि आखिर जो बच्चे हैं उनकी मौत कैसे हुई, जबकि परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स ने इलाज में लापरवाही बरती है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में चेन लूटकर भाग रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि घायल बदमाश को इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूट की चैन, अवैध हथियार और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इस चेकिंग के दौरान कनौनी पुलिया पे जब चौकी इंचार्ज नीति खंड में टीम के चेकिंग कर रहे थे, तो बाइक सवार ये बदमाश तेजी से कनौनी पुलिया से ग्रीन बेल्ट की ओर भागे। इन पुलिस टीम द्वारा जब रोकने के लिए इशारा किया गया तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ इन पर फायरिंग की गई, जिससे एक जितेंद्र जीतू के टांग में गोली लगी और दूसरा साथी सलमान गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लूटी गई चैन और बाइक और एक तमंचा बरामद हुआ है। सुसंगत बदायूं जिले में आलापुर थाना क्षेत्र के संजरपुर गांव में चलते टेम्पो से एक बच्चा गिरकर घायल हो गया। परिजनों ने आनन फानन में बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं पर परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस में रखी लाश को देखकर डॉक्टरों पर आरोप लगाया कि जिंदा बच्चे को ही रख दिया गया था, जिसके बाद परिजनों ने जिला अस्पताल परिसर और डीएम ऑफिस पर जमकर हंगामा भी किया है।
मेरा छोटा भाई ऑटो चलाता है, मेरा मासी का लड़का है वो, तो वो यहाँ से बताई सवारी लेके आलापुर के लिए निकला था। बीच में संजरपुर पे कुछ कांवरियों के चक्कर में भीड़भाड़ में उसने साइड किया, वो वहाँ गिर गया, उसके चोट आ गई, कुछ चोट आ गई। उसके बाद में जो ड्राइवर था उसके साथ का ही था, वो उसे लेके आया जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल में लेके आया तो डॉक्टर साहब ने बोतल वोतल लगाई कुछ, लगा के दो मिनट के अंदर मृत्यु घोषित कर दिया, मृत्यु घोषित कर दिया। तो हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे, जो ड्राइवर था वो यहीं था, उसको भी नहीं दिखाया कि मृत्यु हो गई है या नहीं हुई है, और बस लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद हम लोग पहुँचे चार तीन हम लोग पहुँच गए तुरंत आधे घंटे बाद। उसके बाद किसी को भी नहीं दिखाया, डेड बॉडी तक किसी को नहीं जाने दिया। आगरा में खंदौली थाना क्षेत्र में खेत के बंटवारे के बाद वापस जाते समय खुलेआम गोली चलाई गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला किया और कई राउंड फायरिंग भी किए, जिसमें छुट्टी पर आए सैनिक घायल हो गया। फिलहाल घायल सैनिक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही घायलों ने फायरिंग करने वाले एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को भी सौंप दिया है। तो आगरा में क्राइम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई, जहां जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और इस दौरान लाठी डंडे भी चले। साथ ही साथ ये भी खबर निकल के सामने आ रही है कि कई राउंड हवाई फायरिंग भी की गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के 2 वर्ष पूरे होने पर हनुमानगढ़ी पर शुद्ध घी के 501 दीपक जलाए गए। इस दौरान महंत राजूदास के साथ संत समाज ने शुद्ध घी के 501 दीपक जलाए। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने रामलला के मंदिर की बुनियाद रखी थी। जानकारी के मुताबिक मंदिर निर्माण कार्य की दूसरी बरसी पर दीपक को हनुमानगढ़ी और हनुमान जी के परिक्रमा मार्ग पर सजाए गए। तो राम मंदिर निर्माण के बीते दिनों 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ी पर शुद्ध घी के 501 दीपक जलाए गए, जिससे पूरा अयोध्या जगमगा उठा। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।